हेलो गाइस, आज चलिए मैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी लेकर के आया जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। होली आने वाली है तो चलिए उसकी हम लोग तैयारी करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने साबूदाने रखे हैं। इस कटोरी से आप भी दो कटोरी के लगभग मैंने साबूदाने लिए हैं, जिसे आप तीन कटोरी पानी डाल करके उस कटोरी से और इसे फूलने के लिए 10 मिनट के लिए आप डाल दें। इधर मैं आप देख सकते हैं मैंने कुकर में पानी 1 गिलास के लगभग डाला है और आज मैं इसे कुकर में ही बनाऊंगी। आप देख सकते हैं 1 से 2 गिलास के लगभग मैंने पानी ऐड किया। पानी डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और इस तरह से आप देख सकते हैं साबूदाने फूल चुके हैं, इसे भी डाल दें। और भी पानी यहाँ पे ऐड आप कर सकते हैं जिससे पतला रहे और अधिक गाढ़ा ना हो पाए। आप देख सकते हैं पानी एब्जॉर्ब करता है साबूदाना। यहाँ पे मैंने काला नमक और सफ़ेद नमक मिला करके मैंने 2 चम्मच के लगभग नमक लिए हैं, जिसे इसमें ऐड कर दे और इसको अच्छे से चला ले और मिक्स कर ले। आप 1 सीटी इसे धीमा फ्लेम पर दिलवाए। आप देख सकते हैं पहले कितने पतले लग रहे थे, अब देखिए कितने गाढ़े हो चुके हैं। हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसका पापड़ आप लोग जिस स्टेप से मैं बना रही हूँ उसी तरह से थोड़ा थोड़ा चम्मच से डालें और इसे फैला, हल्का सा फैला, ज़्यादा ना फैला। और देख सकते हैं मैंने पूरे पापड़ बना लिए हैं। 2 दिन मुझे लगे हैं इसे, आजकल धूप अच्छी हो रही है इसलिए जल्दी ये बन जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और तुरंत बन भी जाता है। इतनी टेस्टी और यम्मी होते हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए मैं इसे अब छान कर आप लोग को दिखाती हूँ कितना टेस्टी और यम्मी और क्रिस्पी बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तेल को गर्म पहले होने दे अच्छे से। मैं चेक कर रही हूँ कि तेल गर्म है कि नहीं। अभी बिल्कुल गर्म नहीं है तेल, इसलिए ये नहीं अच्छे से बन पा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है और ये अब 1-2 करके आप इसी तरह से उलट पलट में आसानी रहती है। एक बार अधिक डालेंगे तो पलटने में नहीं बनेगा, इसलिए आप 2-3 ही पान में डालें। तेल अधिक डालें तो आप 2-3 डाल सकते हैं, नहीं तो 1-2 करके भी आप इसे बना सकते हैं। अब उलट पलट करके इसी तरह से बनाएं, इतने खिलते और शेप जो था उसका बिल्कुल दुगना हो जाता है ये। और इसी तरह बारी बारी से आप इसे सेक ले, अच्छे से फ्राई कर ले। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और यम्मी और टेस्टी है कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग भी इसी स्टेप से ज़रूर इसे बनाएं और होली में मेहमानों के सर्व करें। तो चलिए मैं इसे तल लेती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चावल के भी बनाए हैं, जिसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साबूदाने के पापड़ बना लिए हैं। इसी तरह से आप लोग भी बनाएं और मेहमानों को सर्व करें और होली इंजॉय करें। इस तरह की रेसिपी के लिए ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें कुमारी रीमा की रसोई।